जिस तरह से मौसम की स्थिति देखने को मिल रही है, उमस बनी हुई है, मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटों में मॉनसून दिल्ली हरियाणा कवर कर सकता है, यानी अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या इस वक्त मॉनसून की स्थिति है, क्योंकि अगर हम बाहर इस वक्त देखें तो काफी ह्यूमिडिटी जो है मौसम में बनी हुई है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो क्या है फिलहाल स्थिति? देखेंगे, जो अभी आप ह्यूमिड रियलाइज कर रहे हैं वो मुख्यतः ईस्टर्ली विंड्स हैं, जो कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आपके पास दिल्ली हरियाणा तक 2-3 तारीख से आने की संभावना है, तो वो आनी शुरू हो गई है और वो नमी लेकर के हमारे पास आ रही है। तो इसके एसोसिएशन में देखेंगे आपके पास उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तमाम इलाके हैं वहाँ पर रेनफॉल हुई है, और जो मध्य प्रदेश के तमाम इलाके हैं वहाँ पर रेनफॉल हुई है, और ये हमारे अभी हमारे पास अगले 4 से 5 दिनों तक इनका प्रभाव और बढ़ेगा। तो ये नमी और लेते आएंगी हमारे पास, इसके एसोसिएशन में देखेंगे कि आज रात से और कल से हमारे पास हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। जो 4 और 5 तारीख है उस समय हमारे पास दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर बारिश होने की संभावना है, हल्की बारिश होगी, और 72 घंटों में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो कि हरियाणा और दिल्ली के इलाके हैं वहाँ पर मानसून ऑनसेट हो सकता है, कंडीशन हमारे पास फेवरेबल बनी हुई। साथ ही साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं और जो उत्तराखंड के इलाके हैं और साउथ ईस्ट राजस्थान के इलाका है वहाँ पर भी अगले 72 घंटों में मानसून कवर कर जाएगा। जी सर, शुरुआत मॉनसून की कैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल अगर बात करते हैं तो पहले हमारे पास अगले 3 से 4 दिनों में लाइट कैटेगरी की रेनफॉल होने की संभावना है, जो कि आप कह सकते हैं कि 4 और 5 तारीख में मुख्यतः हो सकती है। तो फिलहाल लाइट रहेगी और अगला स्पेल आएगा तो उसमें देखते हैं कितना इंटेंसिटी, यानी जो अभी हमें उमस फील हो रही है बाहर तो ये आगे भी जारी रहेगी। देखिए, ये इस समय तापमान में निश्चित तौर पे आज हमारे पास गिरावट हो गई, कल तक जो बीते 3 दिनों में हीट वेव कंडीशन थी उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, जो मॉइस्चर बढ़ा है उसकी वजह से ये तापमान गिरावट है। आज तापमान हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रिकॉर्ड होने की संभावना है, और चूंकि तापमान 40-39 भी काफ़ी हाई होता है और मॉइस्चर होने से हमारे पास डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ जाता है, तो वो आपको रियलाइज हो रहा है कि डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन हीट वेव की कंडीशन खत्म हो चुकी है, मानसून ऑनसेट होने की अगले 72 घंटों में संभावना है। तो मानसून में हम अच्छी बारिश कब हमें मिलेगी, और खासतौर पर दिल्ली जो कि अक्सर बारिश से महरूम रहती है? तो फिलहाल अगले 4 से 5 दिनों की बात करते हैं तो हमारे पास लाइट रेनफॉल होने की संभावना है, अगले स्पेल में संभावना ज़्यादा रेनफॉल की बनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है, और मॉनसून आने में जिस तरह से मगर मौसम विभाग भविष्यवाणी कर रहा है तो अगले 3 दिन के अंदर मॉनसून दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन उम्मीद जो है इतनी मत रखिएगा, क्योंकि शुरुआती जो बारिश होगी मॉनसून की वो बहुत ज्यादा नहीं होने वाली, ठीक ठाक बारिश होगी, तो ऐसे में उमस से भी लोगों का सामना होगा। कैमरामैन आकाश के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।